हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं डोसा। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर हम अपने डोसा बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर ले ली अपनी उड़द की दाल, यहाँ पर मैंने अपने ले लिया है चावल, यहाँ पर मैंने ले लिया अपने चने की दाल। तो इन सबको मैं अपने साइड में रखूँगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक बाउल, और इस बाउल में मैं डालूँगी 1 कप चावल ऐड करूँगी मैं इसमें। इसको हम साइड में रखेंगे। और यहाँ पर मैंने एक और बाउल ले लिया है, इसमें डालेंगे हम उड़द की दाल। इस तरीके से हम इसको डालेंगे। और ये वाली एक दाल है चने की, तो इन तीनों में हमें अपना पानी डालना है इस तरीके से। पहले तो हम इसमें ऐड करेंगे पानी। और फाइनली फ्रेंड्स, देखिए मैंने तीनों चीज़ों में पानी डाल लिया है। इसको, इन तीनों चीज़ों को हम 2 घंटे के लिए इनको अच्छे तरीके से फूलने के लिए रख देंगे। ये मैंने उड़द की दाल में पानी डाला है, चने की दाल में और चावल में। तो इन सबको हम 2 घंटे के लिए फूलने के लिए रखेंगे, फिर हम अपने डोसे तैयार। देखिए इस तरीके से अब हम अपना सांभर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है अपनी कटी हुई लौकी, यहाँ पर मैंने ले लिया कटा हुआ कद्दू, यहाँ पर मैंने ले लिया है अपना बैंगन, यहाँ पर मैंने ले लिया बारीक कटे हुए आलू, यहाँ पर मैंने ले लिया चने की दाल। चलिए फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से मैंने अपने कुकर में पानी बॉयल कर लिया है। तो इस तरीके से हम अपने डालने वाले हैं आलू, जो मैंने आपको सब्ज़ी बताई थी वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरीके से जो भी मेरी सब्ज़ी थी, इस तरीके से हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको डाल लेंगे, सारी सब्जियों को इसी में ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, थोड़ा इस तरीके से इसको चलाएंगे। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढककर रख देंगे। इसको 10 से 15 मिनट का थोड़ा, देखिए ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका होगा। देखिए इस तरीके से हम अपना कुकर को खोलेंगे। देखिए मेरी सब्जियां अच्छी तरीके से पक चुकी हैं। देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से पक चुकी हैं। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने अपना कढ़ाई में ऑयल डाल लिया, इस तरीके से हो चुका है। यहाँ पर मैंने जीरा और यहाँ पर मैं सरसों ले रही हूँ। और इस तरीके से हम ले रहे हैं लाल मिर्च और तेज़पत्ता और कड़ी पत्ता। इस तरीके से हम डाल रहे हैं लाल मसाला, इस तरीके से थोड़ा इसको चलाएँगे। और हम डालने वाले हैं प्याज अपनी, इस तरीके से सारी ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ मिर्च, थोड़ा इसको 4-5 मिनट। देखिए इस तरीके से हम अपने टमाटर ऐड करेंगे, इस तरीके से थोड़ा हम इसको चलाएँगे। और यहाँ पर हम डालने वाले हैं हरी धनिया पाउडर, यहाँ पर हम डालेंगे काला नमक, इस तरीके से हम थोड़े इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पर हम डालेंगे हल्दी पाउडर, और यहाँ पर हम डालेंगे चाट मसाला, और यहाँ पर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, यहाँ पर हम डालेंगे अपना गोल्ड मसाला। इस तरीके से थोड़ा हम इसको चलाएँगे। फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, इस तरीके से थोड़ा इसे चलाएंगे। इसमें हमने सांभर मसाला भी ऐड कर दिया था। और फ्रेंड्स देखिए, ये अच्छे तरीके से मसाला हमारा पूरा सिक चुका है। इस तरीके से हम अपने सारी सब्जी ऐड करेंगे, इसमें थोड़ा इसको चलाएंगे। और फ्रेंड्स देखिए, थोड़ा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और थोड़ा इसको पका। और फ्रेंड्स देखिए, इसमें हम चाट मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें नींबू निचोड़ेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, हमने नींबू और चाट मसाला इसमें ऐड कर लिया है, और बहुत बेहतरीन बना है हमारा सांभर। देखिए बहुत ही अच्छी अम्मी इसकी खुशबू आ रही है, मेरा तो खाने का ही। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने अपना ग्राइंडर चढ़ा लिया है, इस तरीके से हम इसमें चावल डालेंगे। और यहाँ पर हम डालेंगे अपनी दाल इस तरीके से। और यहाँ पर हम ले रहे हैं अपना पानी, और इस तरीके से हम इसका ढक्कन लगा देंगे, और इस तरीके से इसको अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से, देखिए अच्छी तरीके से। और फ्रेंड्स देखिए, मेरा ये बटर पूरा तैयार है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ खाने वाला सोडा, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। और इस तरीके से थोड़ा इसको हम मिक्स करेंगे, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना पड़ता है।
बस ये बिल्कुल सा पूरा तैयार हो चुका है। और फ्रेंड्स देखिए मैंने इडली का ये सारा वो ले लिया है जो बनती है उसमें। यहाँ पर मैं ऑयल ग्रीस करूँगी इस तरीके से, थोड़ा ज़्यादा करेंगे नहीं तो ये बिल्कुल इडली हमारी अच्छी तरीके से खिंचेगी भी नहीं। तो इस तरीके से सारी चीज़। और फ्रेंड्स देखिए मैंने सारे में लगा ली है अपनी, और इस तरीके से हम अपना बैटर इसमें डालेंगे। देखिए सारी चीज़ में हम इस तरह डालेंगे सारे खंडे में इस तरीके से, फिर ये फूलेगी भी तो हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे। बस देखिए बिल्कुल पूरे सारे चीज़ों में। और फ्रेंड्स देखिए मैंने इस तरीके से अपना ओवन चला लिया है, इस तरीके से हम इसमें डालने वाले हैं अपना पानी, और बस ये अच्छी तरीके से गर्म हो जाए फिर हम इसमें अपना वो रखेंगे बैटर सारा वो जो। और फ्रेंड्स देखिए ये मेरा आप लोगों का पानी अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है। अब हम इसको अपने जो मैंने इडली इसमें भरी थी वो ही हम इसमें रख देंगे, और बस इसको हम अच्छी तरीके से कैप लगा देंगे। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरीके से। और फ्रेंड्स देखिए हम अपनी इडली को देखते हैं अच्छी तरीके से पक चुकी है या नहीं। देखिए वाह अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब हम इसको 5 मिनट थोड़ा रख देंगे, ठंडी हो जाएगी, फिर हम अपनी इडली को अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से निकाल लेंगे फिर हम इसको सॉफ्ट करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए मेरी इडली पूरी बन के देखिए तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छी दिख रही है। देखिए खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, और चैनल पे न्यू हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।